तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो है ना वो हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है। तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं आमिर फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से हैं। आज है जी 9 अगस्त और आज है जी हम 9th वाले स्टूडेंट्स का जो है ना वो रिज़ल्ट है आज। तो सबसे पहले तो मैं दुआ अल्लाह पाक सारे बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करें, आमीन सुमा आमीन। सारे बच्चों को अच्छे नंबर से पास करें, आमीन सुमा आमीन। तकरीबन 7-8 मिनट्स रह गए, 10 बजे आना था रिजल्ट, तो 10 बजे में 7-8 मिनट्स रह गए हैं, तो काफ़ी लोड होगा। तो फिलहाल कंप्यूटर तो हमने ऑन कर लिया है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी दुआ कीजिएगा, बस अच्छे अच्छे सबके जो है ना वो नंबर आ रहे, सबके लिए जो है ना आप लोग दुआ कीजिएगा। तो जी अब चलें जी, बस थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, बस ज़्यादा तो रह भी नहीं गया, थोड़ा सा ही रह गया बस। सारी बातें एक तरफ, इस चलते हुए टाइम ने ना मुझे वक्री टेंशन दे के रखी है। नहीं मैं देखी जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा ही जा रहा है। बस दुआ करें कि अच्छे अच्छे नंबर जाना आ जाए। तो जी ऑलमोस्ट लेस देन 1 मिनट रह गया रिज़ल्ट अनाउंस होने में, तो बस अब मुझे दुआ है कि बस कामयाब हो जाए, अच्छे अच्छे नंबर से सारे बच्चे कामयाब हो जाए, आमीन सुमा। ये ले जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये है जी मेरा रिज़ल्ट। ये आप लोगों को पहले मैं ऑब्टेंड सारे मार्क्स दिखा देती हूँ। भाई ये रोल नंबर भी देख लो, जिसने सर्च करना खुद भी कर ले, ठीक है ना? खुली खुली जा रहा था, खोलूँ दी मैंने, ऑन कैमरा रोल नंबर दे दिया आप लोगों को अपना, जिसने चाहे वो कर सकता है। ये देखे ये मेरा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे जो है ना वो आए गए हैं मार्क्स, और घर वाले बड़े सेटिस्फाई हुए हैं मुझसे, अब मुझे बहुत मेरी दावत करेंगे। खैर चले जी, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। और आप लोग को जो है ना वैसे यहाँ भी देख लिया, मैं ये कम्युनिटी पोस्ट पर भी दोनों चैनल्स पर लगाऊंगी। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो है ना वो हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी बच्चा अपने कम मार्क्स आने पर उल्टा सीधा कदम बिल्कुल ना उठाए, और पेरेंट्स की तरह का प्रेशराइज ना करें, कंपैरिजन किसी के साथ ना करें, क्योंकि एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं अगर अपने नहीं क्योंकि किसी का कंपैरिजन किया जाए ना, तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट इंसान हो जाता है कि हमारे साथ कंपेयर करेगा हम इसका भी। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, आपने भी सबने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन कभी कभी लक साथ नहीं रहता। एक चीज़ है उसका नाम किस्मत है, और वो भी काम करती है, जब वो अच्छी होती है नंबर आते, नहीं होती फिर नहीं आते। तो आपने कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना, अल्लाह पाक वैसे मेरी दुआ सब कुछ नंबरों से कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। निक्की जिनकी सब चीज़ वगैरह आई हैं इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इस बारे में यहाँ तक बात रही मेरे रिजल्ट की, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो है ना वो यानी इंसान खुद को मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ कि हाँ मैंने इतना मैंने सोचा था और मैंने उतनी क्राइटेरिया में मार्क्स ले लिए हैं। ये सिर्फ और ये मेरे जो है ना रफ़ी ज़ात का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ज़ल है, बहुत ज़्यादा करम है मेरे रफ़ी ज़ात का मेरे पर। इसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे माँ बाप ने जितनी मेहनत मेरे लिए की, इसके बाद जो मेरे टीचर्स ने इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए मेहनत की, इतनी इतनी मेहनत इन्होंने की, रोज़े भी थे, टेस्ट हमने फुल बुक लिए, दो बार लिए, रात को लेट नाइट तक हमें जो है ना वो इन्होंने बिठाया पढ़ाया। मैं बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ अपने रिज़ल्ट से, स्पेशली जो है ना वो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, फिर अपने माँ बाप का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपने टीचर्स का, इंस्टीट्यूट वालों का, कैंडी वालों का। तो अब इसकी खुशी में ना, इसकी खुशी में आप पापा में मिठाई खिलाओगी? अच्छा, तो उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे इतने अच्छे जो है ना वो मार्क्स आए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरी हूँ। तो आई एम सो सेटिस्फाइड, मैं बहुत सेटिस्फाइड मेरे रिजल्ट से। तो जी व्यूअर्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़ल्ट दिखाया, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी अपने आप से सबको अपने होती है ना उतनी ही आए हैं, ठीक है? जितनी मैंने अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मैं इस लाइन में आ जाऊँगी, मामा ने कहा कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है आपको मैं टोटल बता दूँ, 555 में से थे ये 495। मामा कहते कितने, मैंने कहा 500 प्लस आ जाएंगे, लेकिन मामा को मैंने कहा कि बाकी लक पर डिपेंड करता है, लेकिन 490 से नीचे कभी भी नहीं जाएंगे। और मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरी कैमरे वालों की, मेरे टीचर की मेहनत की वजह से, जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं इतने से नंबर नीचे नहीं जाने दूँगी, मैंने नहीं जाने दिए, मैंने 495 एक अच्छे नंबर विद 89% ले लिए मैंने, और मैं बड़ी सेटिस्फाई हुई हूँ। और मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, मैं बताती हूँ सबसे किस तरह। सबसे पहले तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनके जो है ना वो कम नंबर आए या सब प्लीज़ आई हैं, प्लीज़ आप लोगों ने किसी भी तरह जो है वो गलत कदम नहीं उठाना,
तो जी ये सब्जी वगैरह सारी क्लियर हो जाती हैं, पूरी ज़िंदगी जो है ना अभी पड़ी होती है कि आप स्टडी कर सकते हो। बहुत सारा जो है ना अगर स्कोप वगैरह मौजूद है तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। एंड स्पेशली मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बिल्कुल किसी तरह का प्रेशराइज मत कीजिएगा कि उसके नंबर देखो, कंपैरिजन नहीं करना आपने अपने बच्चों का। मेरे ये नहीं 495 आए हैं, मैंने अपनी क्लास फेलो से भी बात की है, सबसे की है, उनके अच्छे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि देखो उनके इस तरह आए हैं, उनके ज़्यादा अच्छे हैं। कंपैरिजन नहीं करना आप लोगों ने किसी से भी, आपने जो है ना अगर बच्चों के कम आए हैं तो उनको आप लोगों ने वो कंसोल करना है कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। पेरेंट्स भी बच्चों को प्रेशर ना करें, बच्चे किसी गलत कदम उठाने से गुरेज करें। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।